अब कोई भी वैक्सीन है उसको करने से पहले ने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, वो ये है कि अगर आपने देख लेना आपके चूज़े अगर तो एक्टिव नहीं है, यानी कि आपको लग रहा है कि ये पहले से बीमार है, आपने वैक्सीन नहीं करनी। उस एंटी लेसोटा, मैंने पहले भी जिक्र किया है कि सभी बता रहे हैं एंटी लेसोटा कर दे जी, एंटी लेसोटा। अब एंटी लेसोटा करने क्यों है? इंसान का आप एक आइडिया लगा लें कि जब बच्चा पैदा होता है तो तब वो बीमार तो नहीं होता, लेकिन क्या होता है दूसरे तीसरे दिन से उनको हिफाजती टीके लगवाना शुरू कर देते हैं, हिफाजती टीके उनके साथ साथ उनको पोलियो के कतरे भी पिलाना शुरू कर देते हैं। अब वो बीमार तो नहीं है, लेकिन कल के लिए कि ताकि वो बड़ा होके तो उसे ये सारे मसाइल का सामना ना करना पड़े। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर बताइएगा ये वैक्सीन क्यों ज़रूरी हैं चूज़े के लिए? सर वैक्सीनें चूज़ों के लिए अगर इनको आप पालना चाहते हैं, इनसे आप एग्स लेना चाहते हैं, ब्रीडर तैयार करना चाहते हैं, तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। आज सर आप कौन सी वैक्सीन करने जा रहे हैं? सर आज मैं एंटी लेसोटा जो है वो कर रहा हूँ, और वो सारा जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बता तो सभी दे रहे हैं जी ये वैक्सीनें करें, ये वैक्सीनें करें। अब नए फार्मर के लिए ये आसानी लेके हम आए हैं कि जैसे करनी है कितना पानी डालना है वो सारा तरीकाकार हम अपनी वीडियो में शेयर करेंगे। सर कैसे वैक्सीन की जाती है, कितने तरीके हैं वैक्सीन करने के? सर वैक्सीन करने के वैसे तो दो तीन तरीके बताए जाते हैं कि एक इंजेक्ट भी किया जाता है या ड्रॉप डाले जाते हैं, दूसरा पानी में। हम जो आप करके दिखाएंगे सबसे आसान तरीका और सबसे कह लें कि सेफ तरीका है पानी में डाल के हम बताएंगे। उसका रीज़न ये है कि अगर तो बड़ी मुर्गी हो उसे इंजेक्ट भी किया जा सकता है, उसको आप ड्रॉप भी डाल सकते हैं। अब ये छोटा चूज़ा है, इसको करने के लिए सबसे बेहतर यही है कि पानी में हल करके इनको पिलाएं। तो वो उसमें तरीकाकार ये होता है पानी में हल करने का कि पानी ले लें मुनासिब सा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास तकरीबन 300 चूज़ा है, 300 चूज़ों में हमने तकरीबन 2.5 से 3 लीटर पानी जो है वो रखा है, और आप देख रहे हैं कि इसमें जब हम लेके आए ना मेडिसिन, जो वैक्सीन लेके आए हैं उसको जब हमने ओपन किया उसमें उसके अंदर ना बर्फ़ थी। बर्फ़ जो है वो मेडिकल स्टोर वाले या जिससे भी आप ख़रीदें वो आइस साथ ज़रूर देते हैं ताकि इसको और उसको कवर करके अखबार में या किसी भी वर्क में तो वो बेचते हैं, और वो साथ ये भी बताते हैं कि जब भी करना है तो ध्यान रखना है कि धूप ना हो। अगर धूप में आप करेंगे तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा बल्कि उसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। हम देखें यहाँ पे फार्म में कर रहे थे, यहाँ पे हमने ओपन की, हल की, हल कैसे की वो सारा तरीकाकार हम आपको वीडियो में दिखाते जा रहे हैं, और हल करने के बाद छांव में ही इनके आगे रखना है। और कोई भी जो वैक्सीन है, हम तो एंटी लेसोटा कर रहे हैं, अब कोई भी वैक्सीन है उसको करने से पहले ने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, वो ये है कि अगर आपने देख लेना आपके चूज़े अगर तो एक्टिव नहीं है, यानी कि आपको लग रहा है कि ये पहले से बीमार है, आपने वैक्सीन नहीं करनी। उसकी वजह यह है कि अगर आप वैक्सीन करेंगे तो आपके चूज़े वैक्सीन करने के फौरन बाद ज़ाया होना शुरू हो जाएंगे। उसका हल ये है सर कि आप उनको ना पहले 2 या 3 दिन कोई एंटीबायोटिक दें, आपका चूज़ा जो है वो एक्टिव हो, फिर आप वैक्सीन करें। अच्छा सर ये बताइएगा कि आपने चूज़े को पानी में मिला के वैक्सीन के लिए बोला, तो इसकी क्या गारंटी है कि हर चूज़ा पानी पिएगा? हाँ ये ठीक है सर। देखें अब आपने जब वैक्सीन करनी है ना, आपको पता तो है कि आज मैंने वैक्सीन करनी है, आप 2 या 3 घंटे पहले इनसे पानी जो है वो उठा दें, इनके आगे से ना पानी उठा दें, और इनको जब प्यास लगेगी ना तो ज़ाहिर सी बात है चूज़े हैं, जब इनके आगे पानी रखा जाएगा वैक्सीन वाला तो सारे दौड़ते जाएंगे, पानी पीते जाएंगे। अब वैक्सीन वाला पानी रखने के बाद एक और चीज़ करनी है, वो ये है कि जब ये वैक्सीन कर लें, वैक्सीन का पानी इनके आगे रखेंगे ना तो इनको ना बैठने नहीं देना, इनको घुमाते फिराते रहना, इनके दरमियान हरकत करते रहें या इनको हिलाते रहें। उसकी रीज़न ये होगी हिलाने की कि ये एक तो चलते फिरते रहेंगे और पानी जो है वो पीते जाएंगे, जब पानी पीते जाएंगे तो 1-2 घंटे के बाद वैक्सीन वाला पानी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत बचेगा भी उसको आप उठा लें और बाद में इनको फीड करवा दें। टोटल सर कितना टाइम रखना चाहिए पानी के आगे? सर ये तकरीबन 1 घंटा, 1 घंटा तो कम अज़ कम रखें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे रखें, इससे ज़्यादा ना रखें। और ये जो मैंने आपको तरीका बताया ना कि पहले इनको प्यास लगा दें, तो ये 1 घंटे से पहले खुद ही ख़त्म कर देते हैं।
अच्छा सर, फॉर एग्जांपल अगर कोई चूजा आपका पानी नहीं पीता तो उसके लिए क्या हल है? हाँ ये भी ठीक है। अच्छा सर, आप खड़े होकर देख रहे हैं जी चूजा आपका जो है वो पानी नहीं पी रहा, या किसी मसाइल से वो छोटा है दूसरों से, या आपने उसे पकड़ना है और पकड़ के तो उसकी चूँच जो है वो लगा दें पानी में, ताकि वो एक दो चूँच लगा के जितना वो पी सकता है वो पी लेगा। तो जब सब पी लेंगे तो सार सी बात एक जैसी वैक्सीन हो जाएगी, तो A1 हो जाएंगे सभी। अच्छा सर, ये बताइएगा आप एंटी लसोटा कर रहे हैं, एंटी लसोटा की कोई निशानियाँ बता दें, किस लिए की जाती है एंटी लसोटा? सर बिल्कुल, ये आपने सही सवाल किया। एंटी लसोटा मैंने पहले भी जिक्र किया है कि सभी बता रहे हैं एंटी लसोटा कर दे जी एंटी लसोटा। अब एंटी लसोटा करनी क्यों है? एंटी लसोटा सर, एक तो चूज़े को इसकी निशानियां ये है, जब एंटी लसोटा की बीमारी आती है ना तो चूज़ा जो है सबसे पहले सांस की प्रॉब्लम आती है, उसे सांस मुश्किल से लेता है, और इसके बाद जो अपनी गर्दन है वो परों में छुपा के तो बिल्कुल पर जो है वो ढीले छोड़ के तो बैठ जाता है, ये इसकी निशानी है। जब ये बीमारी लग जाती है तो फिर उससे बचने के लिए, आपको पता है ये बीमारी लग जाती है चूज़ों को, उनको बचने के उनसे बचने के लिए एंटी लसोटा कर दी जाती है, ताकि वो मसाइल कल को जब ये चूज़ा बड़ा हो या मौसम चेंज हो तो उन बीमारियों से ये लड़ सके। अच्छा सर, एक बंदा है उसका चूज़ा बीमार हो जाता है, उस बीमार होने के बाद मतलब वैक्सीन की जाती है या नहीं की जाती? सर ये मैंने पहले भी जिक्र किया है कि बीमार हो जाए ना तो उसे पहले ना कोई एंटीबायोटिक दें, एंटीबायोटिक दें तो फिर उसके बाद आप 2-3 दिन के बाद जब चूज़ा आपका एक्टिव हो जाए तो फिर आप ये जो वैक्सीन है ये करें। अगर पहले करेंगे तो उसका आपको नुकसान होगा, चूज़े जो हैं वो डेड होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा बाल फार्मर वैक्सीन नहीं कर सकते बिल्कुल, उनके पास थोड़ी मकदार में चूज़े हैं, उनको क्या मशवरा देंगे? सर मशवरा ये है कि अगर वैक्सीन कर ली जाए ना तो बंदा थोड़ा सा ना अपने आप को, अपने चूज़ों को, अपने बर्ड्स को ना सेफ समझता है कि यार थोड़ी बहुत मुश्किल शिद्दत आएगी मौसम की तो ये बर्दाश्त कर जाएंगे। हाँ उनके लिए मैंने पहले भी एक दो दफ़ा जिक्र किया है कि वो अगर ये दे दें लहसुन वगैरह या थोड़ी बहुत ये चीज़ें दे दें तो उससे भी काफ़ी ये बेहतर होते हैं, लेकिन एक प्रॉपर वैक्सीन होती है सर। जैसे देखें ना, जब बच्चा पैदा होता है, इंसान का आप एक आइडिया लगा लें कि जब बच्चा पैदा होता है तो तब वो बीमार तो नहीं होता, लेकिन क्या होता है दूसरे तीसरे दिन से उनको हिफाजती टीके लगवाना शुरू कर देते हैं, हिफाजती टीके उनके साथ साथ उनको पोलियो के कतरे भी पिलाना शुरू कर देते हैं। अब वो बीमार तो नहीं है, लेकिन कल के लिए कि ताकि वो बड़ा होके तो उसे ये सारे मसाइल का सामना ना करना पड़े, अगर कोई बीमारी आ भी जाए तो वो उनको बर्दाश्त करने की उसमें सलाहियत हो, इस वजह से जो वैक्सीनें हैं वो ज़रूरी हैं। अगर देखें ना, अब 10-15 साल पीछे चले जाएँ या 20 साल पीछे चले जाएं तो पहले हिफाजती टीके भी नहीं लगाए जाते थे, जो ये पोलियो के कतरे हैं बड़ी मुश्किल से पिलाए जाते थे, लेकिन वो कर तो जाते हैं, ऐसे भी चूज़े जो हैं ये भी इंसान भी रहते थे, लेकिन उसमें ये जो है कि बीमारियों से लड़ने की ताकत या कुव्वत वो बंदे में कम होती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।